मुजफ्फरपुर लोकसभा की सियासत अब नया रंग लेती नजर आ रही है। आज सर्वदलीय बैठक में आशुतोष शाही को निर्दलीय उम्मीदवार घोषित किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों को किस प्रकार से आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जहां पर दोनों ही पक्ष एनडीए और महागठबंधन के द्वारा दिए गए उम्मीदवारों से असंतुष्ट जनता ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आशुतोष शाही के नाम पर मुहर लगा दी। आज इस बैठक के पूर्व आशुतोष शाही का इस कार्यक्रम में भव्य स्वागत किया गया। बहुत बड़ी जनसंख्या में आज यहां पर जन समर्थन आशुतोष शाही को मिला है, और आइए जानते हैं कि मीडिया से संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा। समाज के विभिन्न वर्गों के लोग मिलकर, सभी जाति धर्म के लोग मिलकर आज जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई है, जो राजनीतिक खाइयाँ हैं, वंशवाद, जातिवाद जो आज समाज पर हावी हो गया है, उसको उखाड़ फेंक कर एक नए सामाजिक परिवर्तन के अभियान चलाई जा रही है। उसमें सभी लोगों ने मिलकर मुझे उसमें एक सिपाही का दायित्व दिया है, लोकसभा चुनाव लड़ने का। उस दायित्व के निर्वहन के लिए आज जागरूकता और संकल्प के लिए हमने सभा की आ रही है। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? क्या भीषण क्या रहेगा? सबसे पहले तो एक स्वस्थ समाज की स्थापना करना है, और लोकतंत्र जो मरती जा रही है, लोकतंत्र की रक्षा और लोकतंत्र की पुनः स्थापना करने के लिए आंदोलन शुरू किया। जब तक एक स्वच्छ समाज का निर्माण नहीं होगा, लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जाएगी, तब तक विकास के बारे में सोचना बेकार है। तो पहले तो उस मूल्यों की स्थापना करनी है जिससे लोकतंत्र जिंदा रहे। उसके बाद हम लोग समाज की जो बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके खिलाफ हम लोग। वहीं भारतीय कल्याण मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जनता से बातचीत के दौरान, संबोधन के दौरान आशुतोष शाही ने कहा कि जनता ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है, जिसे वो पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। वहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से यह कार्यक्रम आयोजित की गई। इससे पूर्व उनका भव्य स्वागत भी किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन वैभव मिश्रा ने किया। वहीं इस कार्यक्रम में आज जितेंद्र पांडे, वैभव मिश्रा, साकेत शुभम, अविनाश शर्मा, अभिषेक ठाकुर, सम्राट राज सिंघानिया, वहीं अनय राज सहित अन्य कई लोग उपस्थित रहे। वहीं इस लोकसभा चुनाव में आशुतोष शाही की टक्कर एनडीए के उम्मीदवार अजय निषाद और महागठबंधन की ओर से चुने गए डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद से होना है।